Let's improve English. Do you want to improve your English by practicing, but you don't have anyone to speak with? Now, someone told you to speak in front of the mirror to practice speaking English. My friends, that's not worth it. Friends, let me tell you a much better strategy, a much better plan to practice your English at home without anybody's help. And that's gonna be totally worth it. You're gonna be very happy after watching this video. तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप एंड तक देखिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे आप इंग्लिश में बात करके प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना किसी पार्टनर के आपको किसी की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ अपने आप की जरूरत है और आपके फोन की जरूरत है मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी के आपको मिरर के सामने नहीं बोलना बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मिरर के सामने बोलो आपस में बोलते रहो जोकर बनने की क्या जरूरत है आपको कि शीशे के सामने अपने आप से बात कर रहे हो उसका फायदा नहीं है मैं आपको बहुत बेहतर तरीका बताने वाला हूँ तो फ्रेंड्स वो तरीका है जिस तरीके से मैं अभी अपने वीडियो बना रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए आपको अपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है जी हाँ फ्रेंड्स अपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है इंग्लिश बोलते हुए अब बोले क्या आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से तैयार कर लेना है कैसे करना है जो भी आपका पसंदीदा टॉपिक है आपका फेवरेट टॉपिक है या कोई भी चीज़ जो आप सीखना चाहते हैं उसके ऊपर अच्छे से आप महारत हासिल कर लीजिए पहले उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए गूगल पर बुक्स में कहीं भी किसी फ्रेंड से पूछ लीजिए और उस पर बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो क्या है कोई भी डेफिनेशन है किसी चीज़ की बारे में डिटेल के बारे में आप बात कर रहे हो कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आपने सीखा है जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर वेदर आपका कोई कोर्स है उसके बारे में आपने सीखा है उसका इंट्रोडक्शन आपने गूगल पर देखा कुछ भी किसी चीज़ के बारे में रिटेल में आप पढ़ लो और उसके ऊपर पूरा पढ़ने के बाद फिर आप अपने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करो और पूरा वीडियो रिकॉर्ड करो आप इंग्लिश में बोलकर जी हाँ फ्रेंड्स इंग्लिश में बात करते रहिए अब देखो आप इससे आपको कितने सारे फायदे मिलने वाले हैं पहली बात क्योंकि आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपके इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो रही है और दूसरी बात बहुत लोगों को कैमरा फोबिया होता है कैमरे के सामने आने में उन्हें हिचकिचाहट होती है और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये मॉडर्न जमाना है यहाँ पर कभी ना कभी तो आपको कैमरे को फोकस करना ही पड़ेगा आई I मीन mean, कैमरे को फेस जरूर करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से अगर आगे चलकर आप बहुत सक्सेसफुल हो गए आपका कोई इंटरव्यू लेने लगे तो फ्रेंड्स आपकी प्रैक्टिस हो रखी है आप बहुत अच्छे से कैमरे को फेस कर पाएंगे और दूसरा फायदा ये है जो भी आपने वीडियो में रिकॉर्ड किया है गलतियां हमारी खुद की गलतियां बड़ा मुश्किल होता है और जब हम अपने ही वीडियो को देख रहे होते हैं तो इस साइकोलॉजी कुछ अलग तरीके से काम करती है हमें लगता है हम किसी और को देख रहे हैं और फिर हमें गलतियां निकालना आसान हो जाता है और फ्रेंड्स इसी तरह से हम अपनी ही आवाज में अपने ही स्पीच में गलतियां निकालना शुरू कर देंगे फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हमने कहां पर ग्रामर में मिस्टेक्स की है कहां पर क्या क्या मिस्टेक्स की है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी फिर आपको करना है उन सभी मिस्टेक्स को नोट डाउन और इस तरह से अगर आप रेगुलरली वीक में एक बार दो बार तीन बार जितनी भी आपकी श्रद्धा है उसी के हिसाब से अगर वीडियोस बनाते रहेंगे तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप अपनी जो प्रोग्रेस है उसे ट्रैक भी कर सकते हैं यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस वेरी इजीली फ्रेंड्स बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए क्योंकि आप वीडियोस देखते रहेंगे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते रहेंगे और धीरे धीरे एक मंथ के बाद दो मंथ के बाद एक साल के बाद आप वीडियोस रिकॉर्ड करते जा रहे हैं अब अपने पहले वाले वीडियो को डे वन वीडियो को डे टेन वीडियो से डे फिफ्टी वीडियो से इस तरह से आपस में उनको कंपेयर कर सकते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं इस तरह से आप रेगुलरली इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं माई फ्रेंड्स अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ानी है तो इंग्लिश बोलना ही उसका उपाय है आप कितने ही वीडियोज़ देख लो वीडियो देखकर कोई इंग्लिश बोल रहा है आप सुन रहे हो उससे आपको फायदा तो हो रहा है लेकिन फिर भी फ्लुएंसी इतनी स्पीड से आपको नहीं मिलेगी आपको करना क्या है आपको बोलना सीखना है अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में कूद के तैरना ही पड़ेगा उसी तरह से अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है और आप इंग्लिश पढ़े जा रहे हो आप लिखे जा रहे हो आप देखे जा रहे हो तो बोलना कैसे सीखोगे अगर बोलना सीखना है तो बोलना जरूरी है तो अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कीजिए उनमें बोलिए प्रैक्टिस हो गया आपकी मिरर में बोलने से काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि जब आप मिरर के सामने बोल रहे हैं जो आपने बोला वो बोल के खत्म कर दिया अब आप आगे अपने आप को सुन कैसे पाएंगे आपने क्या बोला क्या देखा और दूसरा फायदा जब आप मिरर के सामने देखते हैं कुछ भी कहो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है सबको सब सोचते हैं कब ये कमरा खाली हो मिरर मुझे अकेला मिले फिर मैं देखूंगा और बात करूंगा नहीं तो लोग बोलेंगे पागल हो गया और फ्रेंड्स जब आपको वीडियो बनानी है तब तो आजकल का तो जमाना ही ऐसा है आप फोन के सामने वीडियो बनाओगे तो कोई इस बात पे चौंकेगा नहीं है क्या कर रहा है पागलपंती वो पागलपंती नहीं है वो तो आजकल का फैशन है आजकल सब बनाते हैं वीडियोस तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहेंगे आप और आपका क्या बोलो आप फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके को एक बार यूज जरूर करना अपने लाइफ में आपको बहुत फायदा मिलेगा आई अश्योर यू फ्रेंड्स डू ट्राई दिस मेथड एट लीस्ट वंस कीप रिकॉर्डिंग योर वीडियोज एंड यू विल बी एबल टू सी योर ओन प्रोग्रेस एंड इट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस यू विल बी मच हैप्पियर आफ्टर डूइंग दिस बिकॉज यूल प्रैक्टिस योर इंग्लिश वेरी वेल तो फ्रेंड्स इसी तरह से टिप्स जानते रहने के लिए ट्रिक्स जानते रहने के लिए कि इंग्लिश को महान कैसे करें आई मीन किस तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सो फ्रेंड्स हम बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना टेक केयर एंड बाय